जी आप करती क्या है? हाउसवाइफ हूँ और अभी टीवाई बीकॉम स्टूडेंट। टीवाई बीकॉम की स्टूडेंट है? हाँ। और हाउसवाइफ कब हुई आप? अभी 6 महीने पहले। 6 महीने पहले आपको आपके परिवार वालों ने एक्चुअली लड़कियाँ 18 के महीने की शादी कर डालो उनकी। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। हम एकदम मतलब, लेकिन मैं बच गया हूँ। मेरे को बचना है इसलिए। बच गए हो अभी तक, पर अब तो कर डालो ना। लेकिन आप खुश है ना? खुश? हाँ। अरे बाप रे। नहीं, यहाँ पे आने से नहीं, शादी से खुश है ना? हाँ, शादी। हाँ, लगभग खुश हूँ। और पढ़ाई से? पढ़ाई से खुश हूँ। ओके, आपके पति आपको कॉलेज दे? हाँ, उनकी वजह से तो मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वरना फिर शादी के बाद पढ़ाई करना यार बहुत ही टिपिकल हो जाता है। अरे वाह, कमाल। कहाँ तक की पढ़ेंगी आप? मैं अभी ग्रेजुएट करूँगी, उसके परसेंटेज के ऊपर सब डिपेंड है कि अगर कैसा परसेंटेज आएगा तो क्या करेंगी। चलो, वो परसेंटेज तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे इस परसेंटेज के ऊपर अच्छा, सब डिपेंड है। मैं सलमान खान हूँ ना? जी हाँ। मैं 2 बार आपको सपने में देख चुकी हूँ, तो ऐसा लगता है अभी तो सपना ही है। अच्छा, पिंच कीजिए ना। सुनील मिश्रा जी, आप क्या चाय बेचते हैं क्या? नहीं, दूध बेचता हूँ। दूध? अच्छा। अरे सरकार, 12 साल पहले आपको मैंने पिलाया है। क्या? दूध? दूध पिलाया? प्यार किया तो डरना क्या के सेट पे शूटिंग में आप आर्य कॉलोनी में आपने क्लाइमेक्स की शूटिंग की रहा था, हम अपने भाईसिन के दूध देकर चाय पी आ रहे तो का तो अरे यूनिट वाले 5 लीटर पैसा सराय आज तक ना दे हमारे। कितना नहीं दिया अभी तक? 5 लीटर दूध एक पैसा। 5 लीटर दूध का पैसा प्रोडक्शन वाले लाइक भाग गए सारे। ये किसका प्रोडक्शन था? अरे आपका होम प्रोडक्शन रही सरकार। ये जान हम सो ना खेले आए, हम 5 लीटर पैसा ले आए और इंटरेस्ट के साथ दे। मैं तो जाता हूँ वहाँ से साइकिल। हाँ, मैंने कई बार देखा है आपको। तो आपने कभी रोका नहीं मुझे रास्ते पे कि भैया मेरा 5 लीटर के आगे पीछे आपका वो शेरा घूमता है कहीं मारने लगा तो? तो आप मेरे दूध लेके आए? हाँ, आपके लिए दूध लाया हूँ क्योंकि आप देख रहा हूँ आपकी तबीयत काफी कमजोर हो। ये कमजोर नहीं, इसको बोलते हैं रिप्ट होना। अब हमारी नजर में तो सरकार कमजोर है। फिलहाल तो आप इसको कैसे ये मैं दूध खाइए जान बनाइए। तो फिर अभी अरे भैया ओरिजिनल पचत नहीं क्योंकि पानी वाला ही चले। मैं बाद में आपके डोंगों के साथ लेके जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो, भेज दूंगा। वो तो हमारी रोजी रोटी है। अच्छा, वही ले जाओगे तो हम खाएंगे क्या? बस ये सिर्फ 2 ही है आपके पास? नहीं, और है, लेकिन भैंसे कितनी है? आपने नहीं दिए अंदर। भैंसे कितनी है? 30 भैंसे है। 30 भैंसे और एक बीवी है। और एक है, मतलब कि 31 हो गए। मतलब उसको भी पाल रहा हूँ ना। असल में ऐसा कहा जाता है कि बम्बई में भैंस और औरत दोनों को पालना एक बराबर है क्योंकि दोनों के नखरे कभी कम नहीं होते। और दोनों का मुंह 24 घंटे चलते रहता है। जबर जबर जबर। ये जो भैंसे जो आप बांध के रखते हैं चेन के साथ? बांध के साथ। क्यों बांध के? क्यों रखते हैं वहाँ पे? तो आर्मी के लिए खुली जगह है, तो किसी के साथ भाग जाएगी। तो बीवी को भी बांध के रखा आपने? नहीं, वो तो भागती नहीं है, उसको तो खुला रखा। आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, अगर आप शादी कर लोगे जी तो बाकी सब मुसीबतें दुनिया की आपको उससे छोटी लगेंगी और आप सबका मुकाबला कर सकते हो। वो अकेली मुसीबत बाकी मुसीबतों पे भारी है। सर, ये तो आपको डरा दिए, अब तो हम शादी नहीं करेंगे। अभी हाल में इनकी 6 महीने पहले शादी हुई है। तो अब इनसे क्या पूछेंगे, तो जो भुक्तभोगी है उससे मिलना पड़ेगा ना। आए हैं आपके पति? ये तो खुशी रहेगी। आपके पति नहीं आए यहाँ? बाहर गए हैं बॉम्बे से। आप रहने वाली कहाँ की है? मीरा रोड। अच्छा, मीरा रोड की रहने वाली? अच्छा, बॉम्बे की है। ये आपकी आवाज निकल रही है? निकाल रही हूँ। आप ना जो इनका जो पिच है ना, हाँ, उसमें बात करने की कोशिश कीजिए। अरे हमारे गांव वाली है। हमारे गांव वाली है, लेकिन वो देखा भोजपुरी में ना बोला था, लजाता है इन्हों। अरे आती नहीं है। वाह, देखा ये तमाशा, ये क्या कहते हैं, देसी चिड़ैया मराठी बोल।
आप कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। यूपी के कब आए? हम सिंस बर्थ यहाँ पे। आपके पिता भी यहाँ यहाँ पे थे? फोर फादर से, मतलब मेरे दादाजी यहाँ पे थे, पिताजी, फिर मैं यहाँ। अच्छा, और आप? हम तो यूपी के। मुझे सब पहले आप ये मुझे क्लियर कर कि आप हंस रही हैं रो रही हैं, पहले ये क्लियर कर ना। हाँ, जरूरी है। एक्चुअली दोनों इमोशन साथ में। ये कैसा हुआ? दोनों इमोशन कभी साथ में आएगा? आपको देखने के बाद अच्छे अच्छों के हो जाते हैं, तो हमारे लोगों की औकात क्या है? जो जो हमारी औकात है वही आपकी औकात है। औकात सब एक जैसी है। एक दोहा सुनाना चाहता हूँ। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और कितनी बार। जी हाँ, तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आए, और आप दोनों हमारे साथ खेलेंगे 10 करोड़ रुपयों के लिए 10 का दम। ये है क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। अब मैं आपको ये क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड के कुछ रूल्स समझाता हूँ। और से सुनना, दोबारा मत पूछना। आपको मैडम इन्हें नॉकआउट करना है, सर आपको मैडम को नॉकआउट करना है। आपसे पूछे जाएंगे सिर्फ 5 सवाल, और उनके जो जवाब हैं हमारे इस LG LCD TV में छुपे हुए हैं। तो आए खेलते हैं हमारा क्लोरमेंट नॉकआउट राउंड। आप दोनों का पहला प्रश्न यह है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कहा कि वो अपना बदन अपनी बनियान से पोछते हैं? पहले मैं आपसे नहीं, हस्बैंड के बारे में पूछ रहा हूँ मैडम। मैं आपसे चड्डी बनियान पहनते हैं? सर आप पहनते हो? मैं पहनता हूँ। बनियान बनियान शर्ट के बाहर पहनता हूँ। अगर सुपरमैन होता तो अंडरवेयर भी पैंट के बाहर पहनता हूँ, लेकिन वो नॉर्मल मैन है, सब कुछ अंदर भी पहनते हैं, ऊपर शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं। जी आपने कभी बिना बनियान के रहता हूँ? मेरा ये गमछा मेरा गमछा रहता है जो मेरे सब कुछ पूछने के काम आता है। सब कुछ पूछने मतलब पसीना नाक। तो ये गमछा तो दूरी रखे मुझसे। तबेले के लिए अलग है सरकार, ये आपके लिए अलग बुलाया हूँ। शुक्रिया। अच्छा आपके हाथ में ये क्या है? आपको देने के लिए। क्या है? जी दिल से बनाया है, दिल का हार है, दिल वाले को देना है। तो मैं इसको बैग की तरह टंगा के पहनूं? ऐसे कैसे? आप बना दीजिए। बाल ना खराब करना प्लीज। अब इसको ऐसा पहन के सो जाऊं मैं? नहीं। ऐसा पहन के मतलब सोते ऐसा ऐसा? हाँ, तो भी अच्छा लगेगा, हाथों को सॉफ्टनेस लगेगी ना। जी शुक्रिया। आपको नाचना आता है? बॉलीवुड डांसिंग करती हैं आप? आई मैं सिखाता हूँ आपको। ये जी हाँ, बनियान एक्चुअली बहुत काम आती है। अब जब मैं पहनता हूँ तो ऐसा लोग बोलते हैं कि बॉडी दिखा रहा है। आप बिना शर्ट के घूमते आरएमएल कॉलोनी में, आपको किसी ने बोला कि आप बॉडी दिखाते हो? नहीं, हम लोग सुबह 3:30 बजे उठते हैं। उठने के बाद हम देखते हैं कि बहुत से लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं 4 बजे को, और वो भी अजीबोगरीब ड्रेस में आते हैं। कैसे? क्या पहन के आते? कुछ नहीं पहनते हैं, नहीं मतलब शॉर्ट वगैरह किसी का कुछ हो, कोई बनियान, कोई मच्छरदानी जैसा बनियान पहन के। तो अजीबोगरीब हुआ ना। और हमारे लिए तो सबसे बढ़िया हथियार ये है। हथियार ये है? हाँ, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। जी लेकिन ये क्यों पहनते हैं आप? तो नॉर्मली तो मैं ऐसे बांध के रखता हूँ जब दूध निकालने का रहता है। अच्छा, और उसके बाद जब उठा पसीना वगैरह हुआ तो पूछ लिए, फिर बांध दिए, तो एनी टाइम अवेलेबल है। जी हाँ, तो आप दोनों के पास 10 सेकेंड है, और आप दोनों के 10 सेकेंड शुरू होते हैं मैडम। अब मैडम उधर है। हो गया, शुरू हो गया। प्रियंका जी ने लगाया 37% पर, और सुनील जी ने लगाया 31% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत ऐसे भारतीय हैं जो वो अपना बदन अपने बनियान से पोंछते हैं।